बोलो भारत माता की। आज हम कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं रे? प्राइवेट पार्ट चेकिंग, जिसके बारे में तुम्हें कई लोग बोलते हैं ना, पिछवाड़े में थर्मामीटर डाल देंगे, आगे लिंग पे डंडा मारेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आज पूरी डिटेल बताते हैं तुम्हें कि मेडिकल में क्या होता है। सबसे पहले तो जब प्राइवेट पार्ट चेकिंग का नंबर आता है तो 40 जनों का बैच रहता है। कितने का? 20 एक साइड और 20 वहां पे। बिल्कुल आराम से खड़े रहोगे और किसी प्रकार के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट रहने से कई बार थप्पड़ भी पड़ जाता है और मुर्गा भी बनना पड़ जाता है, वो भी नंगा। जब वो बोले कि अंडरवेयर घुटनों तक, तो चुपचाप बिना किसी शर्म के अंडरवेयर कहाँ लेके जानी है? उसके बाद में आर्मी मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो हाथों में, डॉक्टर जो होता है हाथों में प्लास्टिक जो होते हैं वो, उसी के जो ग्लव्स बनाए हुए रहते हैं वो पहनता है। उसके बाद में वो जैसा जैसा बोले तुम्हें, सबसे पहले वो हो सकता है लिंग की चमड़ी चेक कर ले कि प्रॉपर पीछे जाती है कि नहीं। उसके बाद में लिंग का जो सुराग जो होता है, छेद, वो खोलने के लिए बोले तो आसानी से दोनों हाथों से आराम से खोलना है। अगर वहां पे आनाकानी करोगे तो क्या हो सकता है रे? डंडा पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है वहां पे एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह चुपचाप खड़े रहोगे, किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं करनी है। समझ में आ गया? जब वो बोले हाइड्रोसिल का पॉइंट, वो खुद हाथ लगा के चेक करता है और वो दोनों गोलियों को अलग अलग करने के लिए बोलता है, तो बिना हंसे चुपचाप आपको अलग अलग करनी है। समझ में आ गया? यस सर। और जो सफाई जो है बालों की, वो आपको पहले करनी होती है, ये सबको पता ही है। यस सर। तो ये हो गया आपका आगे का हिस्से का जो चेकिंग होती है वो। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा रहा? फाइल्स का, पीछे का। तो पीछे तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार सारे झुको। अबे झुक जाओ, झुक गए। अब हाथ सीधे रहते हैं इसमें और वो तुम्हें सिर्फ खांसने के लिए बोलता है। क्या करने के लिए? अबे रुक जाओ, ओए रुक गए। खांसने से मतलब ये है कि जब तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, जब तुम खांसते हो तो अगर जिस बंदे को पाइल्स होती है तो उसके पीछे जो है अच्छे से पता लग जाता है। समझ में आ गया? वो जब तेरे पाइल्स नहीं है तो तुझे पता नहीं है, जिसको है वही बता सकता है, ठीक है? इतना ही चेक होता है। उसके बाद में जब तक वो ना बोले तब तक अपने आप अंडरवेयर नहीं पहननी है। समझ में आ गया? अगर हंसोगे नहीं, चुपचाप शालीनता से खड़े रहोगे तो किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट नहीं, तो ज्यादा पाखंडबाजी करोगे तो पॉइंट। और पीछे के बाल साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ गांडू ऐसे भी होते हैं, सही है, जो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, जैसे ही तुम रेस क्लियर करोगे तुम्हें पूरा मेडिकल बता देंगे, ऐसा होगा तू ऐसे कर लेना, कुछ नहीं करना है वहां पे, अपनी ईमानदारी से खड़े रहोगे। समझ में आ गया? बोलो भारत माता की। तो यही था आर्मी का जो प्राइवेट पार्ट का जो मेडिकल पॉइंट होता है। समझ में आ गई सबको? ओके, मुंडी करो गांव की तरफ। अरे गांव की तरफ मुंडे, मुंडे गांव की तरफ। बोलो भारत माता की। वंदे हर हर।